दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं रानी मच्छी फ्राई। बड़ी आसानी से बन जाता है, तो वीडियो की ओर जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने 462 ग्राम रानी मच्छी लिया है। इसे रेड स्नैपर या पिंक पर्च भी कहा जाता है। बहुत सुंदर सी मच्छी है। तो आपको क्या करना है, इसके स्केल्स निकालने हैं, मच्छी को साफ करना है और फिर नमक के पानी में धो के फिर अच्छे पानी से धोकर बाजू में रख देना है। तो ये देखिए 462 ग्राम है। तो चलिए मसाला बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, तो ये आधी छोटी चम्मच है, ज़्यादा नमक नहीं डालना, 2 छोटी चम्मच विनीगर यानी कि सिरका। अब इसे मैं हाथों का उपयोग करके ऐसे अच्छे से मिला लूँगी। तो दोस्तों, ये मच्छी का जो स्केल यानी कि शल्क जो होता है वो निकालने में थोड़ा सा कठिन होता है, पर उसका जो अंदर का मांस होता है बहुत स्वादिष्ट और नरम होता है। तो मैंने इसे बस ऐसे ही साफ कर लिया और दोनों तरफ कटमाक कर लिए ताकि ये जो मसाले वो अच्छे से अंदर तक जाए। तो अगर आपको बड़ी रानी मच्छी मिलती हो तो आप वो खरीद कर उसका उपयोग कर लीजिए। मुझे छोटी रानी मच्छी मिली थी इसलिए मैं इसका उपयोग कर रही हूँ। अब हाथों का उपयोग करके मैं अच्छे से ये मसाले को ऐसे कोट कर दूंगी इस मच्छी से, बस ऐसे। तो आप बड़ी रानी मच्छी का उपयोग भी कर सकते हैं। बस ऐसे अच्छे से मसाला लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे फ्रिज में रख दूँगी 30 मिनट के लिए। इसे फ्रिज में छोड़ दूँगी ताकि ये मसाला अच्छे से मच्छी में लग जाए। तो अब यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। तो इस तेल को हम अच्छी तरह से मध्यम आंच में गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। क्यों गर्म होने छोड़ना है एकदम अच्छे से, ताकि ये जो मच्छी है आसानी से छूट जाए, क्योंकि हम इस मच्छी में कोई कोटिंग नहीं कर रहे इसलिए। अभी आपको सावधानी से एक एक करके सारे मच्छी को ऐसे तेल में डालना है। और ये मच्छी बहुत स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। इसका शल्क निकालना थोड़ा कठिन होता है, बट इसका जो मांस है बहुत नरम होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ऐसे एक एक करके डाल दीजिए और इसे हम मध्यम आंच में 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो 3 मिनट हो चुका है। अब बड़ी सावधानी से हम इसे पलट लेंगे ऐसे। तो देखिए, बड़ी आसानी से हम इसे पलट सकते हैं क्योंकि तेल बहुत गर्म था। तो अगर आपका मच्छी बड़ा हो तो एक टाइम में 2 या 3 मच्छी डाल के फ्राई कीजिए। अब मैं इसे पलट कर मध्यम आंच में 2 मिनट के लिए तलूंगी। तो 2 मिनट हो चुका है। अभी बड़ी सावधानी से एक एक करके हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। तो याद रखना है, हमने एक तरफ में 3 मिनट के लिए फ्राई किया था और दूसरी तरफ में 2 मिनट के लिए मध्यम आंच में। और निकालते निकालते मैं आंच बंद कर दूंगी और सावधानी से सारी मच्छी को ऐसे निकाल दूंगी। तो देखा, बड़ी आसानी से ये बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। और इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ और थोड़ा सा दाल या फिर कोई भी एक अच्छी सी ग्रेवी बना के इसे सर्व कर दीजिए, या फिर टोमेटो रस्सा के साथ भी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।